पांचवा अध्याय चलेगा छठा? पांचवा अध्याय प्रारंभ। अरे रिकॉर्डिंग तो चालू कर दी। गरुण जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जीव जिन जिन योनियों में जाते हैं वह मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुण, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिन पापों के जिन जैसे चिन्ह होते हैं वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी जीवी, गौ हत्या करने वाला कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कौड़ी, जिनको चांडाल योनि मिलती है, स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात कराने वाला भिल्ल रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक गुरु पत्नी से सेवन से खराब शरीर वाला, मांस खाने वाले का लाल अंग, मदिरा सेवन करने वाले के दांत काले, जिन्हें विवाह के स्वाद से अभक्ष हो भक्षक करने वाला ब्राह्मण जलोदरी को दूसरों को दिए बिना मिठाई खाता है, उसे गले में गंडमाल रोग हो जाता है, श्राद्ध के अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है, अभिमान से भरकर गुरु का अपमान करने वाले को मिर्गी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी, झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति तोड़ने वाला कौना, विवाह के में विघ्न पैदा करने वाला वाले का होठ कटा होता है, पुस्तकों की चोरी करने वाला जन्मांध, गौ का और ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा और पंगु, झूठ बोलने वाले का कंठ खराब हो जाता है, झूठी बात को सुनने वाला गूंगा, जहर देने वाला मूर्ख और पागल होता है, आग लगाने वाला खलवाटी होता है, मांस बेचने वाला दुर्गामी होता है, मांस खाने वाला रोगी होता है, रत्नों की चोरी करने वाला नीच जाति में उत्पन्न होता है, सुवर्ण की चोरी करने वाले में नाखून अच्छे नहीं होते हैं, धातु मात्र को हरने वाला गरीब रहता है, अन्य चोरी करने वाला चूहा, धान्य की चोरी करने वाला शलभ, जल की चोरी करने वाला चामक, विष की चोरी करने वाला बिच्छू बनता है, शाक पात्र पर चोरी करने वाला सुगंधित वस्तु को हरने वाला छंछुधर, शहद चुराने वाला डांस, मांस वाला गिद्ध, लवण चुराने वाला चीटी, पिपीलिका होते हैं, तंबाकू फल तथा फूल आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर बनता है, जूता घास और कपास को चुराने वाला भेड़िया बनता है, जो क्रूर कर्मों से आजीविका चलाता है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखता है वह कसाई का बकरा बनता है, जहर पीकर मरने वाला पहाड़ पर काला नाग बनता है, जिसका स्वाभाविक अमर्यादिक है वह निर्जल जंगल में हाथी बनता है, बलि वैश्य देव के नाग करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति जीवन निर्जन वन में व्याघ्र बनते हैं, जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करते और जो संध्योपासना नहीं करते, जिनका अंत स्वरूप दूषित तथा ब्राह्मण रूप स्वरूप साधु की तरह होता है, वह ब्राह्मण बगुला बनते हैं। अयाज्य का दक्षिणा के लोभ में यदार्जिक कराने वाले ब्राह्मण ग्राम में सुकर बनते हैं और अनेकों मनुष्यों को यजन कराने वाले गथा योनि में जाते हैं, निमंत्रण पाए बिना भोजन करने वाले कौए की योनि में पड़ते हैं, जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वे बैल की योनि में जाते हैं, गुरु की सेवा ना करने वाले दुष्ट जन पशु की योनि में जाते हैं, गुरु को हुंकार तुकार कर और वाद विवाद कर ब्राह्मण का विजय प्राप्त करने वाले जल रहित वन में भ्रम राक्षस बनते हैं,
जो पहले तो ब्राह्मण को वचन देते हैं और बाद में दान नहीं करते, वे सियार योनि में जाते हैं। सत्पुरुषों का सत्कार न करने वाला फुंकार होता है, अर्थात जिनके मुंह से अग्नि निकलती है। मित्र को द्रोही पर्वत पर ग्रंथ होता है। क्रय एवं विक्रय में कपटी उल्लू की योनि में जाता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर बनता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर स्त्री का त्याग करने वाला बहुत समय तक चक्रवाक पक्षी होता है। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है। सास को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री ज्वालाका होती है। स्वामी को कटु वचन बोलने वाली जुका होती है। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है, वह बोलने वाली वह चमगीदड़ी बनकर वृक्षों पर लटकती हुई गोदा या दो मुख की सर्पणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे, तो वह रीछ या शैल का जन्म पाकर फिर रीछ योनि में पैदा होता है। सगोत्र की स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला कामुक व्यक्ति मरु प्रवेश में पिशाच होता है। और अपर्याप्त यौवना से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट की योनि में जाता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट और दोस्त की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा बनता है। गुदा गमन करने वाला विष्टा भोगी सुअर और सुअर तथा शुद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है, वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरणोशोच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। देव द्रव्य भोगता है। देव लक ब्राह्मण मुर्गे की योनि में जाता है। जो ब्रह्मांडन द्रव्यजन के लिए देवता की पूजा करता है, वह देवलकन कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक में प्राप्त होता है। जो कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोगकर उस मनुष्य को लोक में गधा, ऊंट, महिषी आदि की योनियों में पैदा होते हैं। शराब पीने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनि में प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट, पतंगा होता है। और गुरु की पत्नी से गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता आदि में जन्म धारण करता है। दूसरों की पत्नी को चुराने वाला, किसी की धरोहर का अपहरण करने वाला, ब्राह्मण के धन को हड़पने वाला, नरक के दुख भोगने के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। कपट से प्रेम रखकर ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाला, अपने साथ कुल का नाश करने वाला होता है। बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाला को कुल का नाश चंद्रमा और तारागण में रहने तक होगा। लोहे का चूर्ण तथा पत्थर का चूर्ण, विष आदि को प्राणी पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है। राजा ब्राह्मण के धन को हर कर उस धन से अपनी सेना और तथा हाथी घोड़े आदि को रखे, तो उसकी सारी सेना युद्ध के मैदान से भाग जाती है। जैसे बालू को पुल बादलों के बरसने ही नष्ट हो जाता है। देव द्रव का उपभोग करने से है, ब्रह्मस्वत का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से वंश पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को दान देता है, अतिक्रमण कहलाता है। वेद व्यांग
के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे साक्षर्य ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांध और दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक भी रहता है। ब्राह्मण का अपने द्वारा या अन्य से प्राप्त भूमि को जो हरण करता है, वह 60,000 वर्ष पर्याप्त विष्टा का कीड़ा रहता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर अपने आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीविकार्थ जीव पृथ्वी का दान देकर फिर भी उस पृथ्वी की यत्न में रक्षा ना करे, वन उसका हरण कर ले तो वह पंगु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति के करने में लक्ष्य गोदान का फल मिलता है और ब्राह्मण वृत्ति को हरने वाला मरकट तथा कुत्ता बनता है। हे गरुण, पापी नरक में दुखों को भोगकर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म अंध पंगु इत्यादि चिन्ह हुआ दिखते हैं और कृमि कुत्ता पक्षी पशु पक्षी चांडाल आदि योनियों में दिखाई देते हैं और महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में वे पैदा होते हैं। तदनंतर 1,000 जन्म पर्याप्त शरीर को प्राप्त कर पक्षी बनते हैं। उस योनि में दृष्टि शीत ताप आदि का दुख भोग कर शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस कर्म में और स्त्री और पुरुषों के प्रसंग से जीव गर्भ में प्राप्त हो गर्भ के दुख आदि से मरण पर्यंत दुखों को भोग कर फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जन्म तथा मरण स्वदेज उभिद्वज डंज जरायुज सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र को होता है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है घटी यंत्र तथा हो रही है। जिस प्रकार घंटों यंत्र की तरह भ्रमण करता है, वैसे सर्वभूत प्राणी कर्म के पास से बंधे हुए माया द्वारा भ्रमण करता है। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाता है। अन्न दान ना देने से दरिद्री होता है, दरिद्री बन जाने से पाप करता है, उस पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है, फिर नरक से आकर दरिद्री बनकर पाप करता है। हे गरुण, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प बीत जाते हैं, फिर बिना भोगे कर्मों को का विनाश होता है। पंचम अध्याय समाप्त।